अगर आप सोच रहे हो कि होली में आईफोन खरीदने के लिए, गाइज मैं बहुत सारा बेस्ट ऑफर लेके आ चुका हूँ। कहाँ से आपको आईफोन खरीदने से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी पैसा भी बचत हो, और अच्छे एक्सचेंज ऑफर कहाँ से मिल सकता है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, क्या आपको ऑनलाइन से खरीदना चाहिए या फिर आप ऑफलाइन से परचेज कर लेना चाहिए। गाइज होली बेस्ट ऑफर इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, एंड तक देखिए, अच्छा लगेगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना गाइज, बहुत टाइम नहीं लगेगा। पहले तो आपको आईफोन सिलेक्शन करना है, कौन सा आईफोन खरीदना है और आपकी बजट क्या है। गाइज अभी 60-70,000 के बजट है तो गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो है गाइज आईफोन 13 और आईफोन 14। आईफोन 13 50-55 में भी मिल रहा था बट वो सेल अभी चला गया है। अभी अगर आपको 50-55 में कब देखने मिलेगा इसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली वीडियो बना चुका हूँ। आईफोन 13 14 भी 50-55 के बीच में मिल सकता है, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बट अभी के टाइम में वो ऑफर आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर आप 13 लेना चाहते हो तो लगभग यहाँ पे 58 से लेके 60 तक मिल सकता है। अगर आप 14 लेना चाहते हो तो 14 के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है 69,000, मतलब ये 79,000 की डिवाइस अभी 69,000 के साथ मिल रहा है, बहुत ग्रेट ऑफर है गाइज। चलिए गाइज पहले हम देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट के अंदर क्या ऑफर देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर सेल की बात करें तो ये फ्लिपकार्ट में ही सेल चलता है। गाइज अभी फ्लिपकार्ट के अंदर यहाँ पे एक सेल भी चल रहा है, बिग बचत धमाल, जो 3rd से लेके 5th मार्च तक ये सेल आपको देखने मिलेगा। बात ये है कि कितने आपको मिल रहा है। चलिए हमने आईफोन 13 की बात करते हैं तो गाइज देख सकते हो आईफोन 13 यहाँ पे 61,999 मतलब 62 में मिल रहा है, बट अगर आप कार्ड ऑफर यूज करेंगे तो लगभग 60,000 के साथ आपको मिल रहा है। क्या आपको परचेज करना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं। अभी के टाइम में तो आपको बिल्कुल इस प्राइस पॉइंट से अगर आप 13 खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल मत खरीदना, हो सके तो वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि जून जुलाई में बढ़िया सेल आपको देखने मिलेगा। बट अगर आप आईफोन 13 अभी के टाइम में लेना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन स्टोर को विजिट करिए गाइज। यहाँ पे गाइज देख सकते हो मैं अभी यूनिक कॉन की स्टोर में हूँ, उसके साथ विजय सेल्स की स्टोर में हूँ, उसके साथ यहाँ पे मैं क्रोमा में भी हूँ। क्रोमा में भी देख सकते हो यहाँ पे आईफोन 13 वही प्राइस में मिल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्रोमा के साथ आपको कुछ क्रेडिट कार्ड यूज करने में मिल जाएगा, बायबैक कैशबैक मिल जाएगा, एक्सचेंज बोनस भी आपको देखने मिल जाएगा। देख सकते हो गाइज अगर आप यूनिकॉर्न को आ रहे हो तो यूनिकॉर्न के अंदर आईफोन 13 जो है 62,200 के साथ मिल रहा है, बट अगर आप HDFC यूज करेंगे तो 2,000 बोनस मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत खास ऑफर नहीं है गाइज, मैं तो बोलता हूँ आप आईफोन 13 को इग्नोर करिए, बट अगर आप एफोर्ड कर पाएंगे आईफोन 14 इज द बेस्ट डील करंट नाउ। गाइज देख सकते हो यहाँ पे 69,500 के साथ आईफोन 14 मिल रहा है, बट अगर आप HDFC कार्ड भी यूज करेंगे ना तो भी यहाँ पे 4,000 यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव प्राइस जो पड़ने वाला है वो 65,000। आप क्या लेना चाहते हो, 62,000 में आईफोन 13 खरीदना चाहते हो या फिर 65,000 के अंदर आपको आईफोन 14 मिल रहा है वो खरीदना चाहते हो, तो आप जजमेंट लीजिए गाइज, आप आईफोन 14 के लिए जा सकते हो अगर आपकी बजट 60 दे रहा है। आईफोन 11 है, आईफोन 13 मिनी है, ये सबको आप इग्नोर कर सकते हो, अभी के टाइम में खरीदने का लायक नहीं है। iPhone 11 तो बिल्कुल नहीं है, 13 मिनी आप खरीद सकते हो, 12 तो बिल्कुल भी खरीद सकते हो, बट अभी के टाइम में नहीं है। अभी अगर आप iPhone 12 खरीदेंगे तो भी यहाँ पे 54,000 देने पड़ेगा, तो गाइज अभी इस टाइम नहीं है इस प्राइस में आपको iPhone 12 खरीदने का। गाइज थोड़ा वेट करना है तो वेट कर लीजिए, अगर अभी के अभी परचेज करना है तो आप ऑफलाइन ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में बेस्ट ऑफर आपको मिलता है गाइज। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट करिए ऑफलाइन स्टोर, वहां पे परचेज कर लीजिए आपकी मनपसंद आईफोन। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए आईफोन 14 खरीदने के लिए अगर आपको बजट 60 दे रहा है।
तो गाइज आप इस ऑफर को फ्लिपकार्ट ये जो अमेजन में चल रहा है ये ऑफर को अभी इग्नोर कर दीजिए, अभी बेस्ट टाइम नहीं है गाइज ऑनलाइन से आईफोन खरीदने के लिए। तो यही बोलना चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।